अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से डीपीबीए पार्ट वन करने वालों को इंग्लिश का टेस्ट शेयर करने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरतीब से याद करने हैं जिस तरतीब से मैं आप लोगों को बताऊँगा, और इस तरतीब से पेपर में अटैम्प्ट भी करने हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिलेबस की जितनी भी वीडियो हैं इस चैनल पर मौजूद हैं उसके पास पेपर 2019 के, 20 के, 2021 के भी इस चैनल पर मौजूद हैं और इस चैनल पे वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे पहले भी जो स्टूडेंट पार्ट टू के उससे भी आप पूछ सकते हैं, उनके लिए चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को चीज़ें शेयर की जाती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल पर हर चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो भी है बरवक्त दी जा रही है। तो स्टूडेंट इससे पहले पिछले साल जो वीडियो अपलोड की थी वो भी बहुत हेल्पफुल हुई थी, इसमें भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करते हैं ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को बरवक्त पहुँचाए। तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के डीपीबीए पार्ट वन के पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं जिनमें सबसे पहले आपने तैयार करना है शॉर्ट स्टोरीज़। तो शॉर्ट स्टोरी स्टूडेंट आपके सिलेबस में 15 हैं, तो 15 के जो पेपर में आता है वो 15 नंबर का आता है, यानी दो क्वेश्चन आते हैं दो दो पेयर के। ठीक है, दो पेयर बने होते हैं ए बी और ए बी, तो आपने एक पेयर करना होता है तो वो एक पेयर जो होता है वो 15 नंबर का होता है। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट आपने करना है वन एक्ट प्ले, टोटल 4 हैं आपने, कोई 3 करने हैं वो मैं आगे जाके इनकी बात करता हूँ। तो उनमें से आप लोगों को 15 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और इनमें से कभी कभी दो पैरा या एक पैरा आ जाता है एक्सप्लेनेशन का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो 5 नंबर के वो हो गए। तो टोटल स्टूडेंट ये 15, 5, 20, 20, 15 बन गया, 35 नंबर का ये आप लोगों का बन गया। ठीक है, आगे आपने करना है एप्लीकेशन या लेटर, तो 10 नंबर का ये, डायरेक्ट डायरेक्ट या एक्टिव पैसिव 10 नंबर का ये, तो एडियम फ्रेजर वर्ब 10 नंबर का ये। तो टोटल स्टूडेंट ये 30 नंबर का बन गया ग्रामर हिस्से में से, 35 का बन गया टेक्स्ट बुक में से, टोटल बन गया 65। तो 65 नंबर का जो पेपर है आप इजीली आराम से मतलब एक अच्छे तरीके से आप अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं और अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, नंबर अच्छे हासिल कर सकते हैं। बाकी जो रह गया एंड पे उसको तैयार कर लीजिएगा और एंड पे उनको हल करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे नंबर भी ले लेंगे, ये एक मतलब आपने ट्रिक इस दफा इस्तेमाल करनी, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर बूस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करते हैं बात शॉर्ट स्टोरीज़ की। तो शॉर्ट स्टोरी के हवाले से आपने एक बात जहन में रख लें, टोटल 15 है, तो पेपर में क्वेश्चन लेने का अंदाज उस तक का किस तरह है। अगर वो पहले 5 में से क्वेश्चन ले रहा है या तो फिर आखिरी 5 में से लेगा, यानी 11 से 15 में से एक लेगा या 6 से 10 में से एक लेगा। ठीक है, एक पेयर बनाएगा, या फिर अगर 6 से 10 में से एक क्वेश्चन उसने लिया है तो आखिरी मतलब आखिरी 10 लेगा, या आखिरी 10 रखता है या पहले 10 रखता है, एक पेयर वहाँ से बना लेता है, एक पहली 5 में से और एक आखिरी 5 में से, इस तरह क्वेश्चन मतलब पेयर उनका बनाता है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले 10 कर लें लगातार, एक तरीका तो ये है, या इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट 15 में से कर लें, 10 कर लें वहाँ से, या पहले 5 और आखिरी 5 भी कर लें। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से भी इन तीनों में से कोई आप फॉलो करके क्वेश्चन अपने हल कर सकते हैं। और पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं 2021 के वो भी आपने ज़रूर करने हैं, वो पेपर में इंशाल्लाह इंग्लिश का सिर्फ 2021 का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड कर दूँगा साथ ही, ताकि आप वो पेपर भी साथ कर लें। तो स्टूडेंट आप लोगों को स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, और पिछले साल का जो गैस है उसका भी लिंक नीचे होगा, उसको भी कैंडिडेट एक दफ़ा देख लीजिएगा, उस वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट बात करते हैं वन नेक्स्ट प्ले की। तो वन नेक्स्ट प्ले टोटल स्टूडेंट 4 हैं, तो आपने ये 3 करने हैं। तो ये पहले 3 आप लोगों को जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्ले है वो द बेयर है। द बेयर में से क्वेश्चन तो 100% आते ही आता है 7.5 का, और साथ कभी कभी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला पैरा भी आ जाता है, तो इसलिए ये प्ले बहुत अहम है। इसमें चंद करेक्टर हैं वो उनके करेक्टर याद कर गए, और इसके अलावा उनके मतलब कॉमिक हवाले से या किसी हवाले से जितने क्वेश्चन सारे प्रिपेयर कर लें। और स्टूडेंट एक और बात याद रखें कि शॉर्ट स्टोरी में से करेक्टर स्केच वाला पेपर में क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, करेक्टर स्केच अपने सही याद करें पहले 10 में से, और इनके अलावा इसके थीम वाले क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से याद कर लें। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन या लेटर की। तो स्टूडेंट आज तक जितने भी पेपर आए हैं उसमें यही होता था कि एक एप्लीकेशन आती थी एक लेटर होता था, दोनों में स्टूडेंट ने एक अटैम्प्ट करना होता था, लेकिन 2021 के पेपर में देखा गया कि फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम दोनों टाइम लेटर ही आए हैं। तो इससे ये साबित होता है पेपर में कुछ भी आ सकता है, इसलिए ज़्यादा चांस उस दफ़ा एप्लीकेशन की, इंशाल्लाह एप्लीकेशन आएगी ज़रूर,
अगर नहीं भी आते तब भी आप लेटर याद कर लें, एक दो जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। लेकिन एप्लीकेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो जॉब्स वाली होती हैं या कंप्लेन वाली होते हैं या कॉलेज वाली, इस तरह की होती हैं। ये तीन कैटेगरी की इंपॉर्टेंट होती हैं। सी वी साथ पूछे तो लिखें वरना ना लिखें। और इसके अलावा लेटर और सी एप्लीकेशन का मल्टी टॉपिक भी, लेटर मल्टी टॉपिक एप्लीकेशन भी मौजूद हैं। वो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में PDF फाइल सेंड कर दूंगा और नीचे लिंक भी आज दे दूंगा। आप जो स्टूडेंट न्यू हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी सेंड कर दूँ, ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। जो न्यू स्टूडेंट उनके लिए सेंड करूँगा ताकि वो भी एंड पे कर लें, ठीक होगा। ये 10 नंबर का तरीका आपने गुजरात यूनिवर्सिटी वाला रखना है। मेरिट सीरीज पर इसका अच्छा तरीका दिया गया और मेरे चैनल पर भी इसकी वीडियो मौजूद है, उसका भी लिंक नीचे होगा। आगे बात करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव की। तो पेपर में लिखा होता है चेंज द नरेशन, तो चेंज द नरेशन में आपने ये कोई नहीं फाइनल होता कि आपने क्या आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं या एक्टिव पैसिव आते हैं। सिर्फ एक दफ़ा एक्टिव पैसिव आए हैं 2019 के पेपर में, वो भी सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम वो अभी डायरेक्ट डायरेक्ट आए थे। और अभी तक जितने पेपर हो चुके हैं 2016 से देखें तो डायरेक्ट डायरेक्ट ही आए हैं। तो डायरेक्ट डायरेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, जो स्टूडेंट तीन वीडियो कर लेगा मैं गारंटी देता हूँ उसके डायरेक्ट डायरेक्ट क्लियर हो जाएंगे। 2021 का पेपर भी उसमें अपलोड है हालशुदा, और इसके 5 क्वेश्चन जो हर साल आते हैं वो भी अपलोड हैं, और इंट्रोडक्शन वाले तीनों वीडियो नीचे मौजूद हैं, वो देख लीजिएगा। और साथ एक्टिव पैसिव अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं idiom और phrasal verb के वाले से। तो idiom और phrasal verb की एक वीडियो मौजूद है, वो देख लीजिएगा, और साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो स्टूडेंट बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं पोएम्स वाले, पोएम भी इंपॉर्टेंट बताई हुई हैं, वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक होगा, वो भी देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लाजमी पहली 10-15 का याद कर लें। एक 10 नंबर है शेक्सपियर की, वो लाजमी करें, पहली 5 भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा, क्वेश्चन या रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला पैरा हो जाएगा। उर्दू से इंग्लिश वाला भी होता है पेपर में, तो आप उसकी बजाय डायलाग कर सकते हैं, ठीक है, डायलाग को याद कर लें या वो आप कर लें, ठीक है। और बाकी इसमें कोई इस तरह क्वेश्चन रह गए जो मैंने ना भी करवाया हो, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल होगी।